तो कल का लेक्चर आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बात की थी प्लांट किंगडम की इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज जो हम करेंगे बात, वो आज हम करेंगे एल्गी की क्लासिफिकेशन के बारे में। एल्गी के जनरल करेक्टरिस्टिक्स हमने कल कर लिए थे, उसके बारे में मैंने आपको उसके बेसिकली हैबिटाट के बारे में बताया था, उसके रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज जो हम बात करेंगे, बेसिकली आज हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जो बेसिकली एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है, वो बेसिकली तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। ये है आपका क्लोरोफाइसी, जिसको आप ग्रीन एल्गा कहा जाता है, फियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गा कहा जाता है, और ये जो थर्ड वन है उसको रोडोफाइसी, उसको रेड एल्गा कहा जाता है। अब जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, क्लोरोफाइसी मतलब मेन प्रोमिनेंट कलर कौन सा होगा इसमें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो ये जैसे हमने मेंशन कर रखा है कि क्लोरोफिल ए और बी जो है वो इसमें प्रोमिनेंट कलर्स होते हैं। अगर ये क्लोरोफिल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ये दिखती बात है। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है नीट में, तो कई बार जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्लेमाइडोमोनास के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो आपको पता है वो कैसा होता है, कप शेप्ड उसका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बाकी इसमें अलग अलग टाइप के हैं, डिस्क्वाइड है, रेटिकुलेट है, रिबन शेप है, तो ये अलग अलग टाइप के भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि बेसिकली ये कैसे होते हैं, बेसिकली इनकी हैबिटाट, तो ये बेसिकली यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, कॉलोनियल एल्गा भी पाया जाता है और फिलामेंटस भी होता है। नाम इंडिकेट कर रहा है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल वाला। सिंगल सेल में आपका क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल है। कॉलोनियल एल्गा, ये लास्ट ईयर 2016 नीट में भी क्वेश्चन आया था कि कॉलोनियल एल्गा का नाम बताइए, तो ये वॉलवॉक्स आता है आपका, अगर आपको पता होगा। और फिलामेंटस एल्गा जो है वो बाकी जो एल्गा इसमें कुछ ग्रुप्स पाए जाते हैं वो आपके फिलामेंटस टाइप के पाए जाते हैं। बात करते हैं स्टोरेज मटेरियल की। तो स्टोरेज मटेरियल आपको पता है क्लोरोफाइसी, बेसिकली स्टार्च जो है वो क्लोरोफाइसी का स्टोरेज मटेरियल है। अगर हम बात करते हैं बेसिकली सेल वॉल की, तो सेल वॉल आपको पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बट यहाँ पे थोड़ा सा है कि जो इनर सेल लेयर है, ये इनर लेयर है बेसिकली, वो सेलुलोज की है, और जो बाहर की वॉल है वो बेसिकली पेक्टोज से बनी होती है। तो ये थोड़ा सा आपने मेंशन करके रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करते हैं फ्लैजेलास की, देखो बच्चे फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला के ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी इन दोनों में ही फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये जो रोडोफाइसी है इसमें क्लोरो जो आपके फ्लैजेला हैं वो एबसेंट होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम फ्लैजेला देखो कितने पाए सकते हैं, 2 to 8 जो है इसमें फ्लैजेला होते हैं, सारे के सारे इक्वल हैं। और एपिकल पोजीशन पे, एपिकल आपको पता है टर्मिनल पोजीशन को क्या कहा जाता है, एपिकल पोजीशन कहा जाता है। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये हम बात कर चुके हैं पहले। और बात करते हैं पायरेनोइड, ये बड़े इंपॉर्टेंट ही, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पायरेनोइड के बारे में। पायरेनोइड क्या होते हैं, ये स्टोरेज बॉडीज होती हैं। स्टोरेज बॉडी अब क्या करेगी, स्टोर क्या करेगी, स्टार्च करेगी। बट बेसिकली इसमें स्टार्च के अलावा अलावा आपका प्रोटीन भी क्या होता है, इसमें स्टोर होता है। तो पायरेनोइड एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास स्टार्च के साथ साथ क्या पाया जाएगा, आपका प्रोटीन्स भी पाई जाएंगी। एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, आपको पता है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और जितने भी आपके स्पायर वगैरह है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके क्लोरोफाइसी के ही मेंबर हैं। अब बात करते हैं फटाफट फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी आपको पता है कि मैंने बताया आपको कि इसको ब्राउन एल्गा कहा जाता है। मोस्टली ये देखो बच्चे, ये मैरीन हैबिटाट में रहते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेंगे। अगर बात की जाए कि कैसे बेसिकली इनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये सिंपली सिंपल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, ब्रांच भी होते हैं, और बेसिकली लार्ज कैल्प्स के तौर पे भी ये पाए जाते हैं। अब कैल्प्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि कैल्प्स किससे बिलोंग करते हैं, कैल्प्स किससे बिलोंग करते हैं, आपके ब्राउन एल्गा से। कैल्प्स होते हैं बच्चे लार्जर एल्गास होते हैं, जो कि बेसिकली मतलब 100 फीट तक भी बेसिकली ग्रो कर सकते हैं, इतने लंबे जा सकते हैं ये। बात करते हैं इनके क्लोरोफिल के बारे में, तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी प्रोमिनेंट है, और इसके साथ साथ कैरेटिनॉइड, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, ये भी जो आपके पिगमेंट्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। बात मैंने की थी फ्लैजेला की, फ्लैजेला उसमें 2 to 8 थे, तो इसमें अकेले मैंने फ्लैजेला बताया कि ओनली मैक्सिमम 2 तक हो सकते हैं, और ये अनइक्वल होते हैं, उसमें इक्वल होते थे, और जो फ्लैजेला हैं वो बेसिकली लेटरल पोजिशन पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जिलेटिनस कोटिंग की, जो इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, जो थैलस है बेसिकली, वो बेसिकली जिलेटिनस कोटिंग होती है, जिस किस मटेरियल की, उसको कहा जाता है एल्जिन। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं होल्ड फास्ट की या
स्ट्राइप की या फ्रंट की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे आसार हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होंगे, ये एनसीईआरटी में आपका डायग्राम बना हुआ है। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर देता हूँ कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इस टाइप से, उसको फ्रंट कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो ये छोटी सी स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको स्ट्राइप कहा जाता है, और यहाँ जैसे नीचे सब्सट्रेट के साथ जुड़ने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है, होल्ड फास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो होल्ड फास्ट बेसिकली पाया जाता है। बात करते हैं गैमेट्स के बारे में। तो गैमेट्स बच्चे इसमें याद रखना आपने, पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप्ड, ठीक है। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक फीचर ही समझ लो आप इसको। अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है तो रिप्रोडक्शन मैंने कल कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए मैंने रिप्रोडक्शन आज नहीं बताया। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है तो रिप्रोडक्शन में गैमेट्स मैंने बता दिया पायरीफॉर्म होते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली स्पोर्स के थ्रू होती है, ज़ूस्पोर्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। और जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपकी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस टाइप की पाई जाती है। एग्जांपल्स के बारे में बात की जाए तो एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, ये कुछ इसके क्या हैं एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्लास की तरफ, जिसको कहा जाता है रोडोफाइसी। इसको रोडोफाइसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली एक पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है आर फाइको इरिथ्रिन। इसकी वजह से इसका नाम जो है बेसिकली पड़ा है रेड एल्गा, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी जो है वो प्रोमिनेंट है। बात करते हैं रहते कहाँ हैं, हैबिटाट क्या इनकी, तो ये मैरीन हैबिटाट में रहते हैं और साथ में वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि लाइटेड एरिया में पाए जाते हैं या शैलो एरिया में पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली दोनों ही जगह पर पाए जाते हैं। ये बेसिकली वेल लाइटेड कंडीशन में मिल जाते हैं और आपको ग्रेटर डेप्थ में भी मिल जाते हैं। बात की जाती है फूड स्टोरेज की, तो फूड स्टोरेज इनका जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो ये करैक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपने इसी के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह ही मटेरियल होता है। बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ये कई बच्चे इस वाली चीज़ को नहीं होता है कईयों को पता, तो इसको आपने मेंशन करना है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है चीज़ें। बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होती है। आपने पीछे पढ़ा है ज़ूस्पोर्स, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात फ्लैजेला के बारे में। तो फ्लैजेला मैंने बच्चे स्टार्टिंग में कहा था आपको कि जो आपका रेड एल्गा है इसमें ये चीज़ एबसेंट होती है। और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ तो ये बिल्कुल सिंपल है, चार एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखे हैं, पीपी और जीजी। मतलब ये निमोनिक्स आप देख लो कि पीपी और जीजी, मतलब पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के ऊपर क्वेश्चन आता है कि बेसिकली जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया क्या बनता है, अगार अगार मीडियम जो है वो तैयार होता है। तो आज हमने जो है वो एल्गी जो है यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आपने अपनी बुक से देख लेनी है, वो बड़ा ही ईजी है। अगार अगार वाला क्वेश्चन आता है, एल्जिन वाला क्वेश्चन आता है और कैरेजिन वाला क्वेश्चन आता है। तो ये आज हम इसको समअप करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा है तो आप उसको ऊपर दिए हुए आई बटन से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।